जय जिनेंद्र, मैं सौरभ जैन, बीएससी डबल एम एमएड बरेली से। आज हम जेएनयू का जो उद्वेलन श्री समीर शिखर जी प्रकरण पर है, उस पर विस्तृत रूप से बताने का मेरा छोटा सा प्रयास। भारतवर्ष के झारखंड राज्य के गिरडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है हम जेएनयू का श्री समीर शिखर जी। 1365 मीटर ऊंचाई लिया पर्वत जैन ग्रंथों के अनुसार अयोध्या के समान ही शाश्वत है, अर्थात इसका अस्तित्व सृष्टि के समान। तीर्थ की महिमा ऐसी, कहा जाता है कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना हो। मुगल काल में सम्राट अकबर ने 1583 ईस्वी में फरमान जारी कर इसको जैनों के प्रबंधन हेतु दिया था तथा वहाँ हिंसात्मक गतिविधियों के प्रति उसने रोक लगाई थी। मुगल बादशाह जागीर के निजी जोहरी सेठ हीरानंद मुनीम ने आगरा से शिखर जी की तीर्थयात्रा का एक दल का नेतृत्व किया था। 26 अक्टूबर 2018 को एक सरकारी अध्यादेश में झारखंड सरकार ने श्री समीर शिखर जी को पूज्य स्थल के रूप में घोषित भी किया था। अब मामले का नया मोड़ तब आता है जब केंद्रीय वन मंत्रालय 2 अगस्त 2019 को अधिसूचना व 5 अगस्त 2019 को इसे प्रकाशित करता है। 21 फरवरी 2018 को हालांकि इसका प्रारूप गजट बनाया गया था, किंतु उस समय स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर के 3 पेपरों में इसे प्रकाशित न करके जेएनयू को अनभिज्ञ रखा गया था और मात्र 16 स्टोन क्रेशर्स की आपत्ति लेकर के इसे जारी किया गया था। इसका हमें विरोध है। हालांकि अगस्त 1984 को इसे पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य में शामिल किया गया, किंतु तत्समय भी सरकार के इस कृत्य का विरोध किसी समिति या कमेटी ने क्यों नहीं किया, ये समस्या परे है। 4933 हेक्टेयर यानी 49.33 किलोमीटर का पर्वतराज पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य में घोषित हुआ था, जबकि पर्वतराज 6489 हेक्टेयर का। जेएनयू की आपत्ति गजट के द्वितीय पृष्ठ से ही प्रारंभ हो जाती है, जिसमें एक भाग को लेकर व दूसरी आपत्ति माना जाता है को लेकर। एक भाग के बारे में हमारा चिंतन यह है कि 20 तीर्थंकरों व गौतम गर्दन की टोक तक सीमित रखने का सरकार का जेएनयू के लिए प्रयास है। 4933 हेक्टेयर तो पर्वतराज जैनियों का है, इसे वन अभयारण्य क्यों घोषित किया गया, उसे पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, यह हम जैनियों की मांग है। गजट व मास्टर प्लान में पारसनाथ हिल व मधुवन को एक गांव बताया गया है। इसमें इसको इको सेंसिटिव जोन में घोषित करने के लिए ही गजट लाया गया। इसके अनुसार स्थानीय लोगों के लिए मुर्गी पालन, मछली पालन व व्यावसायिक रूप से पोल्ट्री फार्म, पशुपालन, प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले कुटीर व लघु उद्योगों को विकसित करने की बात कही गई है। वन उत्पाद, गैस कार की उत्पादों का संग्रहण, नागरिक सुख सुविधाओं जिनमें बिल्डिंग आदि विकसित नहीं करने की भी बात में कही गई है। सड़कों का चौड़ीकरण, नई सड़क बनाना, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट, वायु गुब्बारे आदि पर्यटन हेतु विकसित करने की इसमें बात कही गई है। पानी को जमीन से निकालने का उपक्रम, रात्रि में यातायात के संचालन व पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास करना, जैविक खेती कृषि उद्योगों को लगाना, कृषि वानिकी, कौशल विकास, परिवहन आदि की व्यवस्थाओं को विकसित करने की इसमें बात कही है। इस प्रकार की गैर धार्मिक गतिविधियों का जैन समाज विरोध करता है, उसे कतई स्वीकार नहीं। 9 जुलाई 2019 को गिरडीह सांसद श्री सीपी चौधरी जी ने लोकसभा में शिखर जी को पर्यटन सूची में शामिल करने, पर्यटन महाउद्योग लगाने, पर्यटन विश्वविद्यालय विकसित करने की मांग की थी। अपने मांग पत्र से पहले उन्होंने जैन समाज से चर्चा क्यों नहीं की, क्योंकि पूरा पर्वत हम जैनियों का। गजट राज्य सरकार को जोनल मास्टर प्लान बनाने की अनुमति देता है, इसलिए गजट या तो रद्द हो या संशोधित हो जैनियों के अनुसार। जैन समाज की मांग है कि श्री शिखर जी में यात्रियों का पंजीकरण किया जाए, CCTV लगाए जाएँ, कैमरे लगाए जाएँ, स्कैनर, बैरियर, चेक पोस्ट लगाए जाएँ, क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाए जाएं, पेयजल की व्यवस्था की जाए, पर्वतारोहण या पर्यटक के रूप में किसी को भी पर्वत पर चढ़ने का हमारा विरोध है। इस प्रकार की क्रियाओं पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। शिखर जी में गत 40 वर्षों से पत्थर खनन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रतिवर्ष महुआ के लिए आग लगाई जाती है,
मई में पहाड़ बीमा दल का था। वन विभाग ने 5 ब्लॉक पशुओं को चराने के लिए दिए हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को, लेकिन एक ही ब्लॉक में पशु चराए जा रहे हैं जिससे वहाँ की हरियाली समाप्त हो रही है। वहाँ अवैध दुकानें बन रही हैं, इको टूरिज्म में टेंट लगाए जाएंगे, आदिवासियों को नुकसान हुआ, उनकी रोजी रोटी भी छिनेगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को वहाँ बुलाया जाएगा। 20 दिसंबर को अल्पसंख्यक आयोग ने पुनः पत्र लिखकर झारखंड सरकार को 17 जनवरी 2023 जवाब देने को कहा। हालांकि तो केंद्र सरकार भी इसमें शामिल है, तो चिट्ठी केंद्र को भी आयोग को भेजनी चाहिए। जियो और जीने तो वो आधार मानने का भाव हम जैनियों का है और हमने हमेशा देने का भाव किया है, लेने का कभी नहीं। शिखर जी का संपूर्ण पर्वत जैन समाज का है, उसे जैन पवित्र क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जिस प्रकार की वहाँ बार्गेनिंग की जा रही है, पर्यटन स्थल के आगे धार्मिक शब्द को जोड़ दें तो हम वहाँ पे आर्थिक रूप से आपको सहयोग करेंगे। हमारा पूछना ये है कि अजैन तीर्थों के विकास के लिए हजारों करोड़ों रुपये जब सरकार देती है तो क्या इस प्रकार की बार्गेनिंग करती है? हम सब निमित्त बने हैं और पूर्ण कर्म के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर शिखर जी और अन्य तीर्थों के लिए आगे बढ़ना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने से रोकना चाहिए अपने आप को, और हमारा हमें न्याय देने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। शिखर जी की घटना ने हम लोगों को एक चिंतन का विषय दिया है, वो ये है कि सरकार ने पर्वतों और नदियों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा और जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्रों व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन में शामिल करने के लिए निर्देशित भी किया। शहरों में जैसे मेट्रो, ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा विकसित करके सरकार विकास की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार से सरकार पहाड़ों और जंगलों को इको पर्यटन ला करके उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों को वहाँ बढ़ाना चाहती है। अब चिंता के विषय कहाँ उत्पन्न होता है, जब अजैन तीर्थ तो पर्वतों और जंगलों में इतने नहीं हैं, जैन तीर्थ 90% से ज़्यादा है। ऐसे में आने वाले समय में इस प्रकार का जिस प्रकार का शिखर जी में हमें समस्या आ रही है, वही समस्याएं सभी तीर्थों में आने वाली हैं। हालांकि वहाँ की कमेटियाँ ये सब जानती हैं, पर या तो सुप्त अवस्था में रहती हैं या किसी राजनीतिक संगठन आदि से संबंधित होने के कारण ठीक से बोल नहीं पाती। हमारा समाज शिक्षित बौद्धिक रूप से समृद्ध है, समाज में क्षेत्र में रुचि लेने वाले लोग व सामान्य लोग हों या कानून जानने वाले लोग हों, उनको आगे आना चाहिए। तो इस प्रकार की गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता। तीर्थों का मालिकाना हक लैंड यूज के बारे में पूछना है, क्योंकि जब कोई अध्यादेश आता है तो उस पर आपत्तियाँ भी मांगी जाती हैं, और जब आपत्तियाँ प्रकाशित होती है तो उनका उन पर जब अध्यादेश आया और आपत्ति आप नहीं दोगे तो सरकार अपनी मनमानी रूप से जो अध्यादेश है उसे आगे बढ़ा देगी, इसलिए हमें रुचि लेनी पड़ेगी। अब जैसे सवाल हम करें कि दिल्ली में पुरातत्व विभाग का कार्यालय कहाँ है, बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता होगा जो इन सब चीज़ों में रुचि लेते हैं। गिरनार जी, शत्रुंजय जी, गिरिराज में क्या हो रहा है, इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। मैं अंतिम बात जैनों को रोजगार देने से संबंधित रखना चाहूँगा कि तीर्थों, मंदिरों, कमेटियों में लोगों की आवश्यकता होती है और वो हाँ लोग ऐसे ही रख लिए जाते हैं, जबकि देश के कई राज्यों में जैन मध्यम वर्ग से भी नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। जैन संगठनों को, कमेटियों को, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से वहाँ के जैन बंधुओं को आह्वान करना चाहिए और उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था प्राथमिक रूप से करनी चाहिए। अगर जैन ही जैन के लिए नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वर्णिम अक्षरों में गढ़ा जाएगा, नाम जोर से पढ़ा जाएगा, आज साथ जो नहीं मिला तो युद्ध के लिए लड़ा जाए। समय समर की तेज प्रखर है, समय समर की तेज प्रखर है, कांटों से कुंठित भूधर है,
आज अगर मुख ना खोला तो तेरे सर सब मरा जाएगा, युद्ध अकेले लड़ा जा। शिखर समेत है सिर्फ हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा, हमको नजर अंदाज करोगे सिंहासन तक तड़ा जाएगा, युद्ध अकेले लड़ा जाएगा। जय जिन बंधुओं, जनम जय तुशासन, जिन शासन जय बंधु।